बड़े दिनों की छुट्टियां और नववर्ष के स्वागत के लिए धार्मिक नगरी पुष्कर में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ रहा है। देशी विदेशी मेहमानों की बढ़ती आवक से कस्बे में मिनी मेले जैसा माहौल नजर आ रहा है। विश्व मानचित्र में अपनी अलग ही पहचान रखने वाले पुष्कर तीर्थ में इन दिनों हजारों देशी विदेशी श्रद्धालु रोजाना आ रहे हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती आवक से न केवल बाजारों में रौनक बनी हुई है, बल्कि रेतीले धोरों में भी पर्यटकों की भीड़ नजर आ रही है। बड़े दिनों के अवकाश का लुफ्त उठाने के लिए राजस्थान सहित अन्य राज्यों के श्रद्धालु यहां पहुंचकर आध्यात्मिक वातावरण में अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। श्रद्धालु यहां मुख्य मंदिरों में दर्शन के साथ ही पवित्र सरोवर की पूजा अर्चना कर अपनी आस्था का परिचय दे रहे हैं। साथ ही यहां के रेतीले टीवों में केमल सफारी का लुफ्त उठाकर राजस्थानी संस्कृति से रूबरू हो रहे हैं। पर्यटकों की भारी भीड़ के चलते स्थानीय व्यापारियों में भी खुशी नजर आ रही है। बहुत बढ़िया लग रहा है, तीर्थ नगरी है पुष्कर। हम एमपी से छिंदवाड़ा से आए हैं और यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। साथ में हमारे माता जी और पत्नी आई हुई हैं और काफी सुंदर दृश्य है। यहाँ पे सरोवर है, तो हमने मंदिर देखा हुआ है, पर काफी अच्छे स्थान भी है यहाँ पता लगा है, तो देखने आए हुए हैं। नया साल आने वाला है। ब्रह्मा जी की कृपा है, यहाँ आने का मौका मिला है, तो उम्मीद करते हैं कि सब अच्छा अच्छा होगा। ब्रह्मा जी के मंदिर हम आज दर्शन करने के लिए आए हैं। बहुत समय से इच्छा थी कि जो अपने सृष्टि की रचयिता है उनके दर्शन करें। एकमात्र मंदिर है पूरे भारत में। बहुत आनंद आया यहाँ पर आके, बहुत अच्छा लगा। और अब यही कामना करते हैं कि नया साल हम सब लोगों के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। ये गिने हुए जो दिन बाकी है उसके अंदर सबके लिए जितने भी मन में द्वेष है सब खत्म हो जाए और नया साल जितना भी अपनी खुशियाँ है वो सब लेकर एक साथ आए। ब्रह्मा जी के दरबार में हम जैसे भगवान जो है हमारे रचयिता है ब्रह्मा जी, उस हिसाब से हम भगवान के दर्शन करके हमारा जो भी है रचयिता का दर्शन करें तो हमारे इस हिसाब से क्या होगा कि हमारी धारणाएं मजबूत होगी। भगवान के हिसाब से जो हम हमारा समर्पण है वो समझ में आएगा भगवान को, और भगवान के लिए हमारी श्रद्धा भक्ति और बढ़ेगी क्योंकि वो जिस हिसाब से उनने रचना की है उसके लिए हमें उनको थैंक्स बोलना ही चाहिए। और ये थैंकफुल नया साल आ रहा है, क्या कामना कर रहे हैं आप? भगवान से कह रहे हैं कि नया साल हमारे सबके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, सब लोग वेल बीइंग के साथ रहे, कोई द्वेष ना हो, कुछ ना हो, और हम अच्छे तरीके से सुरक्षित होकर यही। काफी अच्छा लग रहा है, मतलब वहाँ पे ये सब होता नहीं है, जब यहाँ पे हम आए हैं तो ये सब पहन के काफी अच्छा लगता है। अलग चीजें दिखती है, अलग राइड होती है, कैमल सफारी है, सब कुछ अच्छा ही है यहाँ पे, तो एक अलग चीज देखने मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है। आप पहले भी आ चुके हैं? जी मैं पहले भी आ चुकी हूँ, मैं चौथी बार आ रही हूँ, मैं चौथी बार ये पहन रही हूँ। अच्छा, ये जो पोशाक पहनी है इसके बारे में क्या कहेंगे? काफी अच्छी है, अलग अलग तरीके की चूड़ियाँ, ये सब काफी अलग है, वहाँ पे ये सब बिल्कुल नहीं होता है। क्या कहेंगे राजस्थानी संस्कृति के बारे में? बहुत अच्छा है, सब अच्छी से लाइक बिहेव करते हैं, बहुत अच्छा। उधर नववर्ष से पूर्व आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा के लिए पुलिस भी मुस्तैद नजर आ रही है। सीआई राजेश मीणा ने बताया कि नववर्ष पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुख्य स्थानों पर विशेष व्यवस्था की गई, साथ ही रात्रि में अलग अलग टीमें कस्बे में होने वाले आयोजनों पर नजर बनाए हुए है और किसी भी सूरत में माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। शीतकालीन अवकाश व नववर्ष को देखते हुए यहाँ पुष्कर में काफी ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है, तो वहाँ हमने यातायात में भी अतिरिक्त जाप्ता लगाया है। वेद खबाद ब्रह्मा मंदिर की सुरक्षा के लिए भी अतिरिक्त जाप्ता लगाया है, और जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सादा वस्त्र में भी जवान तैनात किए हैं जिससे सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम हो सके। और यहाँ पे जो विदेशी और विदेशी पर्यटक भारी संख्या में रहते हैं उनकी सुरक्षा के लिए हमने पुख्ता इंतजाम कर रखा है। होटलों में जो पार्टियां वगैरह है होनी है काफी जगह पे होगी, उसके लिए क्या व्यवस्था है? हम लोग इस पर लगातार निगरानी कर रहे हैं और जैसे कोई अवैध गतिविधि सामने आएगी उस पर कार्रवाई करेंगे। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए YouTube पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।